नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट गीता जी। गीता जी, आपका एसएम न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब निकले हुए हैं संविधान को बचाने के लिए और उनके समर्थक में पूरा देशा जी रहते हैं। गीता जी, कैसे आपको रहा कि संविधान को बचाया जाए? आज 85% देश की आबादी है, उसके बावजूद भी संविधान को बचाने के लिए लोग नहीं निकल रहे हैं, जबकि धरने प्रदर्शन भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जो मुहिम आप चलाते हैं, आप घर घर जाके ज्ञान देते हैं, तो ये कहाँ से आपको लगा कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, उसका बताएं सर। देखिए सर, ऐसा लगा नहीं हमको, सब लोगों को, पूरे देश को ये जान लेना चाहिए कि संविधान सर्वोपरि है। जो चीज़ सर्वोपरि है उसको बचाने के लिए हर किसी मनुष्य का एक ड्यूटी बन जाती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। यहाँ जात और धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है संविधान को बचाने की। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा, तभी हम देश को बचा पाएंगे। हमारे देश के जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि संविधान सर्वोपरि है। अगर संविधान बचेगा तो ही देश बचेगा, तभी हमारे मौलिक अधिकार बचेंगे, तभी हम अपनी ड्यूटीज़ को कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि यहाँ के पढ़ा लिखा युवा वर्ग भी बेकार हो चुका है, वो समझदार नहीं है, वो इन चीज़ों को समझता नहीं है, वो समझता नहीं है कि देश की राजनीति क्या है, देश की व्यवस्था क्या है, देश की सामाजिक व्यवस्था क्या है, देश में हो क्या रहा है। हमारे नाक के नीचे संविधान को जला दिया जाता है, लेकिन हम लोग चुप, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। हम इस चीज़ों को नहीं समझते, हमारी सरकारें इन चीज़ों को नहीं समझती। आज समय आ चुका है कि इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि समझ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक युवा पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसमें समझ है, तो वो संविधान के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि संविधान ही हमारे हक अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाता है, वही मनुष्य को मनुष्य होने का महत्व देता है। जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, और इसके लिए हम एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ चुके हैं, हम घर घर जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, लोगों के बस्तियों में जाके लोगों को बताते हैं कि संविधान है क्या। क्योंकि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हमारे देश में लोगों को, सरकारों को एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए था लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज के हम देखते हैं, देखो इतने बड़े बड़े IPS हैं। और गीता जी, एक बात बताइए, क्या संविधान जो है बहुजन समाज का ही है? मैं यही तो कह रही हूँ कि संविधान बहुजन समाज का नहीं है, ये पूरे देश का संविधान है। इससे पूरा देश रूल होता है, गवर्न होता है। यहाँ पर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक चपरासी तक, जो एक बच्चा जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, वो भी यहाँ देश के संविधान के अनुसार चलता है। तो संविधान सर्वोपरि है। संविधान को सर्वोपरि कैसे बनाना है, ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। सब्जेक्ट को, इसको हमें एक सब्जेक्ट बना के स्कूलों में देना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो अपने हक अधिकारों को जाने। अगर हमारा संविधान ही नहीं रहेगा तो हो सकता है हम पे कितनी बड़ी विडंबना है आ जाए। और इसी मुहिम को लेकर हम लगे हुए हैं कि अब समय आ गया है, इस चीज़ को समझो, नहीं तो आप लोग फिर से 5000 साल पुरानी व्यवस्था में चले जाओगे, जो कि एक मनु की व्यवस्था थी जिसमें कितना अत्याचार होता था। हम सभी लोगों ने देखा, हमारे देश के 85% लोग जो हैं उन्होंने देखा कि मनु व्यवस्था से कितना लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन संविधान सबको न्याय, व्यवस्था, समानता का अधिकार देता है, भाईचारे का अधिकार देता है। इसी मुहिम को लेकर ये संविधान बनाया गया, जहाँ पे ऊंच नीच का भेद नहीं है, जहाँ भाई भाई में भेद नहीं है, और एक वहाँ पे मनुष्य का जो विकास है उसको सर्वोपरि रखा गया है। यही एक संविधान है, यही संविधान की सबसे बड़ी महत्वता है, यही संविधान का उद्देश्य है। और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम आगे निकल चुके हैं, हम इसको गांव-गांव में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं देश की जनता से अपील करती हूं, जिसके अंदर थोड़ी सी भी मानवता है, भाईचारा है, बंधुत्व है, और जो समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, वो आइए हमारे लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। देश सर्वोपरि है, देश को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। इसी के साथ सभी को मेरा जय भीम, नमो बुधाय। आप थे एडवोकेट गीता जी, जो आज देश को संविधान को बचाने निकले हुए हैं, और पूरे देश के लोग इनके साथ जगह जगह से जुड़े हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र, पूना, नासिक, गुजरात, अहमदाबाद से, सभी जगह से सीट से लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मुहिम का हिस्सा बने तो इनको समर्थन कीजिए। ऐसे मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।